नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को। आपको स्वागत है आपके ही चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज के 226वें दिन के ईश्वर वरदान में आके जाने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये पता करना कि ये जो चैनल है इसका लिंक कहाँ है। आप अगर नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं या आप इसको अगर आप ट्विटर पर सुन रहे हैं या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आपको लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर योगासन, डाइट, रिलेशनशिप्स, वहाँ पर डिप्रेशन और उसके बाद में जाकर के खान पान आपका, साथ ही साथ में चेयर एक्सरसाइजेस, सब कुछ दिया गया है वहाँ पर। हर चीज़ के बारे में बताया गया है। आप जाकर के उसको चेकआउट करें और अगर आपको अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। तो आज के ईश्वरीय वरदान में चलते हैं। 226वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा आज हमें क्या सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले, संकल्प के इशारों से हमें मुख से इशारा देना पड़ता है। किसी को बताना ऐसे करो, ऐसे मत करो, वैसे ना करो, ऐसे करो। लेकिन आपके अगर थॉट्स इतने पावरफुल हो जाएं कि आपको किसी को बोलना ना पड़े, वो आपके थॉट्स को कैच कर लें कि अच्छा ऐसे चाहते होंगे, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए होगा, तो हमें ना चिल्लाना पड़े, ना बोलना पड़े, ना बार बार समझाना पड़े, इतनी शक्ति आ सकती है। उसके क्या करना है देखते हैं। चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। लाइट का ताज, अगर आपने लाइट का ताज देखा है कभी, लाइट का ताज क्या है? आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जी के, जीसस क्राइस्ट जी के, गुरु नानक देव जी के, मोहम्मद जी के, इनके सबके पीछे एक दिखाते थे चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? वो पीछे जो सफ़ेद चंद्रमा दिखाते हैं उसको कहते हैं लाइट का ताज, जो कि पवित्रता का ताज है। मतलब कि उनके मन के अंदर प्योरिटी, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं था, प्योरिटी थी। प्योरिटी मतलब सबके प्रति समदृष्टता। कोई आपके ऊपर गाली भी कर रहा है, कोई आपको गलत भी बोल रहा है, बुरा भला भी बोल रहा है, लेकिन आप उसमें भी समदृश्य रख पाए। समदृष्टि रखना ही पवित्रता की निशानी है। उस स्टेज तक पहुंचना है तब जाके वो लाइट का ताज बनना शुरू होता है। विस्तार में चलें। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, मतलब थॉट्स में, उनके संकल्पों में ना किसी के प्रति घृणा है, ना नफरत है, ना ईर्ष्या है, ना क्रोध है किसी के अगेंस्ट, ना किसी के अंदर गलती देखने की उनके प्रॉब्लम है, ना गलतियां ढूंढने की उनके अंदर आदत है, वो पवित्र और लाइट रह पाते हैं मन से। तो जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई लोग इतना औरों को समझाने में पीछे पड़े रहते हैं, औरों को ठीक करने में पीछे पड़े रहते हैं कि वो मन से भी भारी, तन से भी भारी बीमार और साथ ही साथ औरों को भी भारी करते रहते हैं। वो घर को भी भारी करते हैं, वातावरण भी भारी रखते हैं, हमेशा गलतियाँ निकालते रहते हैं। हर चीज़ के अंदर उनको गलतियाँ दिखती हैं, वो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ठीक करने के पीछे पड़े रहते हैं, वो संतुष्ट नहीं अंदर से। तो परमात्मा कहते हैं वो आत्माओं का मन कभी लाइट नहीं रहेगा, हमेशा भारी रहेगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम लाइट हो जाएं। तो वही संकल्प उठता है जो होने वाला है, ऐसी आत्माओं के अंदर वही संकल्प उठता है जो होने वाला था। बिकॉज उनके प्योरिटी इतनी रहती है, वो क्यों होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्वेश्चंस भी नहीं आते। वही संकल्प उठता है जो होने वाला होता है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। बोलने से दुनिया में लोग तो बोल बोल करके काम करवाते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने प्योर होते हैं कि वो संकल्प करते हैं और दूसरी आत्मा को पता चल जाता है करना क्या है और उसके अनुसार कार्य चलता है। आप ब्रह्म कुमारी इसके गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी माउंट आबू जाकर देखें, कुछ दिन वहाँ पे 7 डेज रहकर देखें, वहाँ पे हर कारोबार बिना बोले हुए फटाफट हो रहा होता है। कैसे चल रहा है सब कुछ? पावर ऑफ मेडिटेशन। आप सोचिए वो चीज़ आप अपने घर में करना शुरू कर दें, चारों व्यक्ति आपके घर में करना शुरू कर दें, पांचों सदस्य आपके घर में करना शुरू कर दें, 6 सदस्य आपके घर में शुरू कर दें मेडिटेशन करना, तो आप संकल्पों की भाषा से एक दूसरे को इशारे देकर के काम कर पाएंगे। अभी तो क्रोध की भाषा से करना पड़ता है, आँखें बड़े बड़े करके करवाना पड़ता है काम आपको, वो नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। ये साकार वतन, ये दुनिया जो है वो सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में क्या है? फरिश्ते। इस दुनिया के ऊपर एक सूक्ष्म वतन है जिसको सफेद लाइट की दुनिया, वहां पे व्हाइट लाइट के फरिश्ते रहते हैं जो कि बोल से नहीं बात करते। वहां पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है कि आपकी आवाज ध्वनि सुनाई दे, वहां पर तो केवल संकल्पों के इशारों से पता चलता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके ऊपर फिर परम धाम है, त्रिलोक। उसके ऊपर परम धाम है जहां से हम आए थे, ना कुछ लेके ना कुछ लेके जाएंगे। वहां पहुंचने से पहले हमें फरिश्ता जैसा पवित्र बनना है, सफेद प्योरिटी की लाइट वाला परमात्मा चाहते हैं हम वो बने पहले, तब जाकर के हम मुक्ति पा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं
कि वो दुनिया नीचे आ जाए, ऐसे फील हो जाए कि आप भी जैसे फरिश्तों जैसे एक दूसरे से संकल्पों से बातें कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ रहा है, आपको समझाना नहीं पड़ रहा है, उसके लिए आप सबको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अब क्या करना है, इसके लिए, इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो। साइलेंस की शक्ति, साइलेंस में लगेंगे बोल, पूरे दिन बोलना नहीं है, मन चलता बहुत ज़्यादा है, मुख कम चले, मन बहुत चलता है। अगर मन बहुत चलता है तो मुख भी चल जाता है। मन में बहुत डाउट है, मन में बहुत घृणा है, ईर्ष्या है, मन में बहुत कंप्लेंट्स मुख से निकलती निकलती रहती हैं, इसको साफ करो तो ये भी मुख से साफ हो जाए, आंखें भी साफ दिखना शुरू करें, अच्छा दिखना शुरू करें औरों के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं मन का साइलेंस, मन का मौन, मुख का नहीं, मन को स्लो कर दो। तो बाबा कहते हैं इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजदारी रहो, रहो लाइट का ताजदारी, मतलब कि प्योरिटी, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं औरों के प्रति भी प्योरिटी रहेगी, तब आपकी सिक्स सेंस, छठी इंद्री तेज होगी और आप एक संकल्प करेंगे और वो चीज़ प्रकट होगी। प्रकट नहीं है कि सामने वो इंसान प्रकट हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रकट होगी मतलब वो कार्य होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखने, साइंस दिखने शुरू होंगे कि मैंने जो सोचा वो होना शुरू हो रहा है। 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जितना शक्तिशाली प्योर थॉट उतना फटाफट वो चीज़ होती है। तो अगर हर कोई अपने घर परिवार में सब कुछ करने लग जाए, मेडिटेशन कर ले और प्योरिटी रखे, तो कितना फास्ट फास्ट वो घर परिवार आगे बढ़े हर मामले में, हर चीज़ में। तो इसके बारे में आप सोचिएगा, आपके परिवर्तन से आपका घर परिवार बदल सकता है, और वो कैसे परिवर्तन करना है उसको आप आकर के सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विद्यालय में, जहाँ पर निःशुल्क आपको ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये कोई धर्म परिवर्तन संस्था या कोई कल्ट नहीं है, तो ये एक विद्यालय है जहाँ पर आकर आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, जाने से पहले अगर आपके पास कोई कमेंट हो ज़रूर कमेंट डाल दीजिएगा। ओम शांति।